जो अगला परफॉर्मेंस है हमारे संवेदना के छोटे छोटे बच्चों का है। संवेदना के बच्चों के ग्रुप डा
जोरदार तालियां। एक अभिभावक के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा डांस ग्रुप डांस श्रीवास्तव सर का सैंपलिंग देके स्वागत करें। डॉक्टर कुमार पांडे सर, और यहाँ पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि फुलपुर सांसद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे चतुर्वेदी सर, आप सभी का संवेदना परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम की कड़ी में अब मैं आपसे संवेदना ट्रस्ट के हौसले की उड़ान सभी मित्रगण शुभ सहायता के संचालक मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और वंचित वर्ग को निःशुल्क संगीत शिक्षा एवं अन्य लोक कलाओं का प्रशिक्षण देकर
उनकी प्रतिभा को तराशना, संवारना और स्वरोजगार के लिए तैयार करना, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। जीवन यदि सुख दुख का मेल है तो क्यों नहीं हम दुख आपस में बांटे और मिलकर हंसें। उन्होंने मैंने सेक्रेटरी से इन बच्चों के मध्य कार्यशाला करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने इसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया। जब मैं इन बच्चों से मिली तो मैं हतप्रभ रह गई। इतने कष्टों को झेलने के बाद भी इन बच्चों में जो प्रतिभा दिखती है मुझे कहीं कहीं नहीं दिखी। ये अत्यंत उत्साही, परिश्रमी और धुन के पक्के बच्चे हैं जिनके साथ यदि मैं सचमुच ईमानदारी से काम करती और ईमानदारी से करूँ तो विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। यह अवश्य है कि इन प्यारे बच्चों को सिखाने में मुझे थोड़ी चुनौतियाँ आई, परंतु जैसे जैसे दिन भी और आज उसी की एक भूमि तैयार कर दी जिसे हम आगे मुख्य अतिथि सांसद महोदय आपको भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। आपने इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और साथ ही मैं सुरसरता परिवार के सारे मेम्बर की वजह से यह कार्यक्रम आज हो सका। तो चलिए अब हम प्रस्तुत करते हैं अपने बच्चों के विशेष कार्यक्रम हौसलों को उड़ान को।
अक्ष तो मजबूत होता है, उसको अंडा गिराने से क्या नुकसान होगा? ठीक है, अद्भुत और मनमोहन प्रस्तुति के लिए आप लोग अंडा भी जैसा चश्मा लगा के खोखो मिट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के अंडा भी जैसा चश्मा लगा के खोखो मिट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के है, क्योंकि एक म्यूजिक थेरेपी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बहुत प्रभावशाली होता है और जब बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है, अपने को समाज के एक उदाहरण सभी लोगों के बीच में पाता है, तो उसमें एक आगे बढ़ने की एक ठीक होने की एक ललक होती है जो उसको एक बहुत जल्दी समय में ही उसको अपने सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायक होती है। धन्यवाद मैडम। बेटा इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया है, कभी सोचा था आपने कि इस तरह हम डांस भी कर पाएंगे? नहीं। क्यों? डांस करते थे गिर जाते थे, धीरे धीरे पता लगा तो यहाँ पर भी एक सर है इसलिए यहाँ पर मम्मी लोग चले आए। अच्छा, आप जब ये संगीत जैसा गीत संगीत डांस ये सब करते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कितना पाते हैं? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा। क्या महसूस होता है अंदर से? हम अच्छा कर सकते हैं। कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? डांस और ज्यादा सीखना चाहते हैं? हाँ। क्या? डांस। क्या बनना चाहते हैं? कौन पसंद है डांसर?
डांसर जैसे वो सन। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? गोविंदा किसकी तरह? हनी सिंह। हनी सिंह। हनी सिंह जैसा। तो वैसे स्टेप्स कर लेंगे आप? अभी तो नहीं कर पाएंगे। कब तक कर लेंगे? बड़े होंगे तक कर लेंगे। ये प्रोग्राम सर्बल पालसी बच्चों के लिए रखा गया है। ये संवेदना ट्रस्ट जो कि सर्बल पालसी बच्चों के लिए पिछले 10 साल से कार्यरत है, दूसरी सुसरिता जो संगीत के बच्चों के लिए ट्रेनिंग कराती है, दोनों को सौजन्य से हुआ। ये सर्बल पालसी के बच्चे बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित होते हैं, जिनमें चलना फिरना, उठना, समझना, देखना, बोलना बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएँ होती हैं जिनको निखारने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी देखा गया कि संगीत एक ऐसी विधा होती है जिसकी वजह से इनके मानसिक स्तर को बहुत ऊंचा बनाया जा सकता है और जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको ले आकर के उनका जीवन कुछ और कुशल मंगल हम कर सकते हैं। और ये अपनी प्रतिभाएं डांस करके, म्यूजिक में पार्टिसिपेशन करके एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और एक अच्छा सा उनका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये कार्यक्रम कराया गया है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, संवेदना ट्रस्ट, इलाहाबाद।